नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम के अनेकों लाभ हैं, बहुत ही अधिक लाभ हैं इसके। भस्त्रिका संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है लोहार की धोकनी। लोहार अपनी धोकनी से भट्टी में हवा भरता है और भट्टी का तापमान इससे तेज होता है। ऐसे ही भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे शरीर में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जाती है, प्राणवायु अधिक मात्रा में जाती है, जिससे हमारे शरीर का ताप बढ़ता है और हमारे शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं, जो दूषित द्रव्य है, विषाक्त द्रव्य है, वो शरीर से दूर होते हैं। तो आइए देखते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास सही विधि से कैसे करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे योगा और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते रहे। इसके लिए सबसे पहले आपको किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाना है। ध्यानात्मक आसन में मतलब पद्मासन या सुखासन। आप पद्मासन नहीं लगा पा रहे हैं तो आप सुखासन में बैठें। उसके बाद अपने रीढ़ की हड्डी को, गर्दन को एक सीध में लाना है, अर्थात आपका सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी एक सीध में हो। मन को शांत करें, एक दो लंबी गहरी सांस लें। आपको बता दें कि भस्त्रिका तीन प्रकार की होती है। एक तो हम मंद गति से करते हैं, यानी स्लो भस्त्रिका। मीडियम गति से अगर करते हैं तो मीडियम भस्त्रिका, अगर फास्ट करते हैं तो ये फास्ट भस्त्रिका होती है, यानी मंद, मध्यम और तीव्र। जो शरीर से कमजोर हो, रोगी हो, उनको धीरे धीरे करने के लिए कहा जाता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप मध्यम भस्त्रिका या तीव्र भस्त्रिका भी कर सकते हैं। करते कैसे हैं आप देख लें। सीधे बैठकर लंबी सांस लेनी है और तेजी से छोड़ना है। अगली बार उसी तेजी से फिर लेना है, छोड़ना, यानी इसमें सांस लेना और छोड़ना दोनों तेजी से होता है। जब आप सांस लेते हैं तो पेट आपका फूले, क्योंकि डायफ्राम आपका नीचे जाता है, इस बात का विशेष ध्यान दें। पूरे शरीर को नहीं हिलाना है। तो सबसे पहले करते हैं स्लो भस्त्रिका, यानी मंद गति से, धीरे धीरे। कम से कम आप 10 बार सांस लीजिए और 10 बार सांस छोड़िए। धीरे धीरे लेना है। धीरे से आप सांस ले रहे हैं, लेकिन सांस की आवाज इसमें आनी चाहिए, यानी इसमें सांस का लेना और छोड़ना दोनों गति के साथ होता है। जब आप कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो उसमें सांस लेते हैं सामान्य गति से, लेकिन जब आप भस्त्रिका का अभ्यास करते हैं तो इसमें सांस तेजी से लेना होता है। अब मध्यम गति की भस्त्रिका, यानी मीडियम भस्त्रिका कैसे करते हैं। आपका ध्यान पेट पर होना चाहिए और श्वास पे होना चाहिए, कि श्वास ले रहे हैं, पेट फूल रहा है, श्वास बाहर निकाल रहे हैं, पेट पिचक रहा है। अब तेज गति के साथ करते हैं। अगर आपका शरीर मजबूत है, आप स्ट्रांग हैं, तो आप फास्ट भी कर सकते हैं भस्त्रिका। कैसे करना है, आखिरी बार में आपको एक तेज गति से करने के बाद लंबी सांस लेनी है। कुछ देर तक सांस को रोके रखना है, फिर धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल देना है। एक बार पुनः देखें। आपने देखा कि एक राउंड भस्त्रिका करने के बाद मैंने लंबी गहरी सांस ली, दोनों नासिका को बंद किया और सर को थोड़ा नीचे झुका लेते हैं ताकि ठुड्डी हमारे सीने से सट जाए, और एनल मसल्स को ऊपर खींच के रखते हैं, यानी गुदा द्वार को संकुचित करके रखते हैं, यानी जालंधर बंद लगाते हैं और मूल बंद लगाते हैं। आप शुरुआती अभ्यास में बिना बंद के भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार भस्त्रिका का अभ्यास होता है। एक राउंड भस्त्रिका करने में कम से कम जो नए अभ्यासी हैं वो 10 बार सांस लें, 10 बार छोड़ें।
आप अपने शरीर की क्षमता के अनुसार स्लो, मीडियम या फास्ट भस्त्रिका कर सकते हैं। एक बात का और ध्यान दें, पूरे शरीर को नहीं हिलाना है, न तो पूरा चेहरा खराब करना है। बहुत से लोग इस प्रकार से करते हैं, यह तरीका ठीक नहीं है, तरीका गलत है। आपको सिर्फ पेट की मांसपेशियों को आगे पीछे करना, यानी सांस भरते हैं तो पेट की मांसपेशियां आगे, यानी पेट फूले, सांस बाहर निकालते हैं तो पेट को अंदर करें। भस्त्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। आप जान लें इस सावधानियों के बारे में, किनको भस्त्रिका नहीं करनी है। तो जिनको पेट में अल्सर हो, जिनको हार्ट डिजीज हो, जिनको चक्कर आता हो, जिनको मिर्गी आने की संभावना हो या दौरे आते हो, उनको भस्त्रिका का अभ्यास नहीं करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में भस्त्रिका का अभ्यास ना करें। जिनको दमा की शिकायत हो या ब्रोंकाइटिस की शिकायत हो, वह भी किसी योग विशेषज्ञ के देख रेख में करें। हालांकि दमा रोगियों के लिए एक अच्छा अभ्यास है, लेकिन अगर अधिक शिकायत हो दमा की तो आप किसी योग प्रशिक्षक के देख रेख में ही भस्त्रिका का अभ्यास करें। आपके सर में भारीपन हो, माइग्रेन हो या सर दर्द होता हो तो भी भस्त्रिका का अभ्यास ना करें। जब ये समस्याएं खत्म हो जाए तो आप भस्त्रिका का अभ्यास कर सकते हैं। मित्रों, भस्त्रिका के बहुत सारे लाभ हैं। आप देख रहे हैं कि सामान्य स्थिति में हम श्वास लेते हैं तो पूरी तरह ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक नहीं जाता है। जिन लोगों को फेफड़े की बनावट के बारे में पता है तो वो जानते होंगे कि जब हम सामान्य अवस्था में श्वास लेते हैं तो जो हमारे एयर सैक्स हैं, वायु कोश हैं, वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। लेकिन जब हम कपालभाति या भस्त्रिका का अभ्यास करते हैं, स्पेशली भस्त्रिका में हम बहुत तेजी से सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो इस स्थिति में एक एक एयर सैक्स तक, यानी एक एक वायु कोश तक, बिल्कुल नीचे तक अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जाता है। जब वह वायु कोश ऑक्सीजन से भरता है तो वह ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलता है। ऑक्सीजन ब्लड में मिलता है तो हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है और एक एक सेल्स तक पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन के साथ प्योर ब्लड पहुंचता है, यानी हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है। अब आप समझ सकते हैं कि जब हमारा पूरा ब्लड प्यूरिफाई होता है तो इससे हमारे शरीर के जो रोग हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, वो मेटाबॉलिज्म तेज होता है बॉडी का, वो बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग भस्त्रिका का ज़्यादा अभ्यास कर लेते हैं उनके चेहरे पे कभी कभी दाने या फुंसियाँ निकल जाते हैं। इसका मतलब है कि आपके शरीर से जो दूषित द्रव्य, जो टॉक्सिन्स हैं, वो बाहर निकल रहे हैं। ब्लड प्यूरिफाई होने से हमारे जो स्किन है उसमें ग्लो आता है। तो इसलिए जिनको चेहरे पे ताजगी लानी हो, जिनके चेहरे पे ग्लो नहीं है और वो ग्लो लाना चाहते हैं, वो भस्त्रिका का अभ्यास कर सकते हैं। शरीर से दूषित द्रव्य को निकालने का, टॉक्सिन्स को निकालने का भस्त्रिका एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। दमा रोगों के लिए भी यह एक अच्छा अभ्यास है। जिनके लंग्स स्ट्रांग नहीं हो, वो थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, बाकी लोग सभी बहुत सुगमता से भस्त्रिका का अभ्यास कर सकते हैं। अब देखते हैं कि भस्त्रिका का हमारे डाइजेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है। आप देख रहे हैं कि सांस हम ले रहे हैं, डायफ्राम नीचे जा रहा है, पेट फूल रहा है, सांस बाहर निकाल रहे हैं, डायफ्राम ऊपर जा रहा है, पेट खिंचक रहा है। इससे हमारे जो पाचक अंग हैं इनकी भी एक स्मूथ मसाज होती है, एक मालिश हो जाती है, चाहे लीवर हो, चाहे हमारा इंटेस्टाइन हो, चाहे स्टमक हो। इसलिए जिनको पाचन संबंधी समस्या है, गैस की समस्या है, कब्ज की समस्या है, भोजन ठीक ढंग से नहीं पचता है, तो वह लोग भस्त्रिका का अभ्यास करके इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। भस्त्रिका बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है। कहा जाता है कि वात, पित्त और कफ तीनों प्रकार के दोषों को दूर करता है। भस्त्रिका हमारे नर्वस सिस्टम में एक बैलेंस लाता है, हमारे मन को शांत करता है। इसीलिए ध्यान के पाले भस्त्रिका का अभ्यास करने के लिए कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि भस्त्रिका कितनी देर तक करें। मैंने बताया कि अगर आप नए अभ्यासी हैं, आप न्यू प्रैक्टिशनर हैं, तो एक बार में आप कम से कम 10 बार श्वास लीजिए, छोड़िए, बाद में आप इसको बढ़ा सकते हैं। यह एक राउंड हुआ। जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी, आप एक राउंड में 15 बार श्वास ले सकते हैं, 20 बार श्वास ले सकते हैं, और कम से कम आप 10 राउंड करें। यानी अगर आप 20 बार श्वास ले रहे हैं और 10 राउंड कर रहे हैं तो आप समझिए 200 बार पेट को स्ट्रोक दे रहे हैं, यानी 200 बार आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। भस्त्रिका का अभ्यास हमारे पूरे शरीर पे पड़ता है। सर्दियों में करने वाला विशेष प्राणायाम है, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर इससे बढ़ता है। इस बात का विशेष ध्यान दें कि भस्त्रिका खाली पेट करें, सुबह करें तो ज्यादा अच्छा है। करते समय आपका सारा ध्यान आपके शरीर से जुड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप भस्त्रिका कर रहे हैं, ध्यान आपका कहीं और है। जल्दबाजी में भस्त्रिका करने की जरूरत नहीं है।
और अगर आपके मन में कोई अभ्यास से संबंधित प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर प्रश्न पूछ सकते हैं। आप भस्त्रिका का सही विधि से अभ्यास करें, इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।